तो ये देखिए, कल हम लोग ये वाले गमले नर्सरी से ये वाले गमले खरीद करके लाए थे। ये 10 गमले हम लोग लेके आए हैं खरीद के, और ये वाला प्लांट लेके आए थे जो इंडोर है, तो ये अभी लगाना है हम लोगों को। और इसके बाद लाए हैं ये पान का पेड़ जो सुपारी में लगा के खाया जाता है, वही है ये, तो ये भी लेके आए हैं। अब इन सबको लगाना है। और वो पड़ा है कप्पा का पेड़ जिसमें शकरकंदी के जैसे कंद लगते हैं, जिनको बॉईल करके खाया जाता है। तो ये वाला देखिए, ये मुरझा गया है थोड़ा सा, और इसके पत्ते कुछ इस तरीके से हैं। और ये सारे पेड़ हम लोग लगाने वाले हैं अभी, और लगा करके आपको दिखाते हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से लगाएंगे और किस तरीके से नर्सरी से लाए गए पेड़ लगाए जाते हैं। और सुपारी के पेड़ तो आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी हमारा एक पेड़ देखिए बड़ा हो गया है, ये मैंने कई वीडियोस में दिखाया है आपको। और इसके बाद छोटे छोटे पेड़ इस तरीके के 10-12 हैं हमारे पास, इस तरीके के पेड़ जो हैं 10-12 लगे हुए हैं। तो देखिए, मौसम थोड़ा चेंज हो गया इसलिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर देखने में बहुत ही सुंदर हैं। और ये वाला पेड़ देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़ लगा देंगे, ताकि देखरेख की ज़रूरत तो होती है, बट थोड़ी प्लानिंग के साथ अगर इनको लगाया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ये लगते हैं। तो चलिए लगाते हैं। और ये देखिए, ये है यूरिया, और इसके बाद ये है बर्मी कंपोस्ट। ये देखिए खाद है ये दोनों, और इसमें भी रखा हुआ है कट्टी में, ये भी खाद है। तो आज हमारे घर लगने वाले हैं पेड़, तो मैं सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो ये देखिए, इसमें हमने गोबर वाला जो हमारा खाद था वो, और बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, इन तीनों चीज़ों को मिला लिया है। इस पर पहले हमने थोड़ा सा पानी छिड़क लिया था मिट्टी में। और अब देखिए, जो नर्सरी से हम लोग सबसे पहले पान का पेड़ लाए हुए थे उसको हम लोग लगाएंगे सबसे पहले। तो आप नर्सरी से लाए हुए पेड़ों का जो है रैपर कुछ इस तरीके से निकालें, जो पॉलीथीन है उसको इस तरीके से फाड़ करके निकालना है हमें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पॉलीथीन बचाने के चक्कर में पेड़ की खींचतानी करते हैं, तो उससे क्या होता है, जड़ें उसकी टूट जाती हैं। तो इसीलिए उसको हमको बहुत ही आराम से और हल्के हाथों से निकालना है। और हमने इसमें गमले में जो है मिट्टी पहले से डाल दी थी, और देखिए इसकी जड़ों को कुछ इस तरीके से लूज कर देना है हमको बिना इसको क्षति पहुंचाए हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से और मिट्टी। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप मिट्टी को तोड़ें, तो क्या होता है कि मिट्टी को तोड़ें तो पहले आप जो गमला या जो पॉलीथीन आती है उसमें हल्का सा पानी डाल दें, ताकि मिट्टी जो है नरम हो जाए। इसके बाद में गमले में लगाने से पहले मिट्टी को इस तरीके से दूर कर दें। और ये देखिए, हमारा ये वाला पेड़ जो है लग करके तैयार है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप जो है नर्सरी से लाए हुए पेड़ों को लगाएं, तो वो आराम से फलते फूलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो कुछ दिन में देखिएगा, हमारा ये पान का पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड पेड़ पर, तो वो है हमारा ये जो सुपारी का पेड़ है, ये तो ऑलरेडी हमारा घर में लगा हुआ था। तो देखिए, इसको भी कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि इसको ये छोटा गमले में लगा हुआ था, पर ये पेड़ बढ़ रहा है तो बड़े गमले में इसको हमको लगाना है। तो इसीलिए देखिए, इसकी भी जड़ें जो है इस तरीके से कुछ ये निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ही आप हर पेड़ की जड़ों को निकालें, क्योंकि ऐसे तरीके से निकाली हुई जड़ें ना फिर ठीक रहती हैं। और अगर हम लोग खींच तान के निकालते हैं उनको, तो जड़ें जो है टूट जाती हैं या फिर कहीं से कुछ हो जाता है, तो फिर पेड़ अच्छे तरीके से लगता नहीं है। तो देखिए, गमले में ऐसे जगह बना करके और आप आराम से इनको लगाएं कुछ इस तरीके से। देखिए, मैं आपको सही सही से दिखा रही हूँ, आराम से इस तरीके से देखिए, ऐसे फिर आराम से इस पर मिट्टी डाल दें। तो यही तरीका है पेड़ों को सही तरीके से लगाने का, और फिर वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो बड़े गमलों में खास करके बड़े पेड़ों को लगाया जाए, क्योंकि छोटे गमलों में क्या होता है कि उनको उतनी मात्रा में हवा पानी सब कुछ नहीं मिल पाता है, और बड़े गमलों में वो उनकी जड़ें जो हैं आराम से ग्रो कर पाती हैं। तो इसीलिए हम लोग बड़े गमले लाए हैं और बड़े गमले में ही इनको लगा रहे हैं। और सारे खाद डालने के बाद में अब हम इसके ऊपर 2-4 दाने यूरिया के डाल देंगे, और इसके बाद में इसमें पानी कर देंगे, पानी डाल देंगे, और हल्के हाथों से आपको ऐसे दबा देना है इसके बाद। और ये देखिए, ये है इंडोर प्लांट, और इसको डिफेन वाकिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, और बढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, इन्होंने इसको भी बहुत ही आराम से निकाला हुआ है, और इसकी मिट्टी को हमने हल्का सा गीला कर लिया था। और
और ये देखिए इसकी जड़ों को भी ये आराम से निकाल रहे हैं और मिट्टी को जो है निकाल रहे हैं आराम से, और इस तरीके से साइड में रखते जा रहे हैं क्योंकि जो खाद वाली मिट्टी है उसके कॉन्टैक्ट में ही हमें जड़ों को रखना है, इसलिए इसको पूरी मिट्टी को निकाल करके हम खाद वाली मिट्टी में इसको लगाएंगे, तो इसीलिए इसको आराम से निकाल रहे हैं। देखिए पूरी मिट्टी को ये आराम से निकाल लेंगे, और अगर जड़ें दिखें पूरी क्लियरली तो ठीक है, अगर मिट्टी ज़्यादा चिपकी हुई है तो पूरा ना निकालें आप। और देखिए इन्होंने कितनी आसानी से निकाल लिया है, और ये देखिए मिट्टी हल्की सी निकाल करके गमले से, और अब हम इसको बीच में लगा देंगे। और ये पेड़ लगने के बाद में बहुत प्यारा लगता है, और ये इंडोर प्लांट है, इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उजाले में रखने की ज़रूरत होती है। तो इसको मैं अंदर रखने के लिए लाई हूँ, इसको हॉल में रख दूँगी। तो देखिए इसको इस तरीके से लगा दिया है, और गमले में लगने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बढ़ने के बाद में अभी तो इस छोटा है, जब बढ़ जाएगा ना तो रियली में ये बहुत प्यारा लगने वाला है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे पेड़ लगा लिए हैं, और लगा लेते हैं जो बचे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देखिए देख पा रहे होंगे कि हमारे गमले जो हैं लग करके रेडी हैं, जिसमें जो लगाना था वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से लगा दिया है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अपने बालकनी में इस तरीके से गार्डन लगाइएगा, और थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है बट अच्छे तरीके से लगाया जाए तो लग सकता है। और देखिए गमले कितने प्यारे लग रहे हैं, और देखिए और मेहनत करने वाले देखिए हमारे पीछे खड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिंकी जी ने आपको बताया कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये गमले लगाए हैं, उसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं धीरे धीरे करके इस गार्डन को ऐसे बना दूँगा कि आप लोग सोचोगे कि ये क्या है, और इसमें मैक्सिमम मैं मेडिकल दवाइयों वाले पौधे लगाऊंगा, जिससे आपको पिंकी जी समय समय पर आपको बताएंगी कि कौन सा पौधा किस दवाई के काम आता है, चाहे आपके रूटीन के खाने में हो, चाहे चाय पीने में हो, चाहे नाश्ता करने में हो। इसी तरह धीरे धीरे ये आपको अपडेट देती रहेंगी और आपको जड़ी बूटों के बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। तो देखिए ये एक्चुअली जड़ी बूटियाँ ही हैं, बट अभी छोटे छोटे पत्ते वगैरह हैं, और जैसे जैसे मैं इनके बारे में जानती जाऊंगी वैसे वैसे मैंने उसी तरीके से हम लोग इन गमलों को लगा रहे हैं कि ये हमारे काम में आने वाली चीज़ें लगा रहे हैं, जो कि हम लोगों को टाइम टाइम पे मिलती रहे, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक से कर रही हूँ आप लोगों को पता है, और मैं चाहती हूँ कि हमारा आयुर्वेद इतना अच्छा हो जाए कि हम लोगों को मतलब जो है जो चीज़ें हमारी पुरानी छूट गई हैं या जिन्हें हमने छोड़ दिया है उस सभ्यता को हम लोग आगे बढ़ा पाएँ और अपना काम खुद कर पाएँ। और देखिए पुराने ज़माने में किस तरीके से लोग अपना इलाज कर पाते थे, शायद अब तो वो पॉसिबल नहीं है, बट हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तो देखिए हम लोगों ने 8 से 10 जो है हमारे सुपारी के पेड़ लगा लिए हैं, और इसके बाद में हमने इधर कॉर्नर में लगाया हुआ है पान का पेड़, और जिसको कई दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है इसलिए मैंने उसको लगवाया है। और इसके बाद में ये कप्पा के पेड़ हैं दो, और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हमने इसको लगाया हुआ है। इसके बाद वहाँ पर है अजवाइन का पेड़, और ये एक दूसरे तरीके की मिर्च है जिसको दवाइयों में डाला जाता है। तो हमने कुछ इस तरीके से हमारी बालकनी को हमारे छत को पे पेड़ लगा लिया है, और आप लोग भी इस तरीके से पेड़ लगाइएगा। और ये मैंने प्याज और हरी मिर्च जो है लगाई हुई है यहाँ पर, और ये पेड़ जो हरी मिर्च का है इसकी जो पौधे की पत्तियाँ मैंने तोड़ दी हैं, कुछ इस तरीके से खाली इसलिए दिख रहा है, और इसमें हरी मिर्च आने भी लगी हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और देखिए जब हमारे घर की बालकनी में इस तरीके की कुछ सब्जियाँ या कुछ निकलता है तो बहुत ही खुशी होती है, खाने से ज़्यादा उनको देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए हरा भरा मैंने तरीके से लगा लिया है, और मिर्च देखिए इस तरीके से बहुत सारी इसमें मिर्च आ रही हैं, और देखिए छोटी छोटी कई निकल रही हैं, और पत्तियां मैंने जो येलो येलो हो गई थी वो तोड़ दी हैं इसलिए खाली दिख रहा है और भरा हुआ था, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसीलिए और इसके बगल में मैंने टमाटर का पेड़ भी लगाया हुआ है, उसमें भी टमाटर आ रहा है देखिए, और छोटे छोटे जो हैं उसमें टमाटर निकल रहे हैं, कहीं फूल निकल रहे हैं, और देख करके बहुत सुकून मिलता है कि टमाटर के पेड़ में मेरे में टमाटर लगने लगे हैं। देखिए एक पेड़ नीचे भी है, उसमें भी फूल जो है आ रहा है, और ये देखिए और इतनी प्यारी खुशबू इनके पास में बैठने से आती है, बहुत अच्छी।
तो ये देखिए टमाटर का पेड़ भी इतना बड़ा हो गया है और उसमें टमाटर लगने लगे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपने गार्डन लगाइएगा अपनी बालकनी में, और अपनी बालकनी और अपने घर को हरा भरा बनाइएगा। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक तो एक बनता ही है। लोगों को आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं न्यू वीडियोज़ अपने इसी तरीके से आपको देती रहूँ। और आज तो मैंने आपको मेरे हस्बैंड से भी मिलवा दिया, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।